वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जैसे ही इस मामले की सूचना वन विभाग को मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखते ही लोग भाग निकले। हंडिया वन परिक्षेत्र के रेसलपुर व्रत की झल्लार बीट में सैकड़ों आदिवासी सुबह सुबह हजारों सागौन, फ्लाश, नीम, टैमरू सहित अन्य बेशकीमती पेड़ काट रहे थे, जिसकी जानकारी वन विभाग को मिली। विभाग तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचा। वन अमले को देखकर कब्जा करने वाले लोग भाग गए। इस मामले की जानकारी देते हुए फॉरेस्ट SDO संजय जैन ने बताया कि लगभग 250 लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पहचान होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर वन विभाग की टीम मुस्तैद है एवं किसी प्रकार की घटना हमारे रहते नहीं होगी। ये रैसलपुर व्रत का बीट झल्लार के कंपार्टमेंट नंबर 335 में ग्राम रैसलपुर, ग्राम झल्लार के कुछ लोगों द्वारा सामूहिक अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा दृष्टिगत होता है। अभी सिर्फ उन्होंने कुछ पलाश के और कुछ ऐसी छोटी जो अंडर 20 की पौधे उसको काटी है, लेकिन हमारे स्टाफ द्वारा यहाँ पर सुबह तत्परता से कार्रवाई करके उनको यहाँ से बाहर कर दिया है। और अभी हमारा स्टाफ सब मौके पे बैठा हुआ है और पूरा प्रयास है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ फिर से ना। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।